तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि भैया अलॉटमेंट लेटर कब तक आएगा, अलॉटमेंट लेटर की क्या डेट रहने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंफर्मेशन देने वाला हूं कि आप लोगों की क्या डेट रहने वाली है, अलॉटमेंट लेटर की साइट पर क्या डेट बता रखी है और फिक्स डेट क्या है अलॉटमेंट लेटर की। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज, पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक जरूर देखें। जो लोग भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों की आगे तक हेल्प होती रहेगी। जब आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट नहीं कर लेते तब तक ये चैनल आपके काम आता रहेगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट वीडियो स्कॉलरशिप के ऊपर बनाएंगे कि किस किस को स्कॉलरशिप मिलेगी, किस किस को नहीं मिलेगी, है ना। तो वो उसका भी आप वेट करें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का कब होगा। तो डायरेक्ट हम चलते हैं आरयूएचएस की वेबसाइट पर। जैसे ही हम आते हैं आरयूएचएस की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप लोगों को देखो, आप भी आ सकते हैं इस वेबसाइट पर, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप भी इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। कैसे आना है कैसे नहीं आना है मैं आप लोगों को बता दूंगा। यहाँ पर जैसे आप आरयूएचएस सर्च करोगे, ठीक है ना, आरयूएचएस जैसे आप सर्च करोगे तो आप लोगों के सामने एक तीसरे नंबर पर वेबसाइट आएगी। मैं आप लोगों को अगर खोलकर बता दूं तो आप लोग यहाँ पर देखो, जैसे आप लोगों के फ़ोन में क्रोम ब्राउजर खुलेगा, जैसे खोलोगे यहाँ पर आप लोगों को जाना है और यहाँ पर आप लोगों को आरयूएचएस जयपुर सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, यहाँ पर आएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इस पर क्लिक नहीं करना है। इसके बाद में आप लोग जाना नीचे, उसके बाद में दूसरी ओर आएगी राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर, इस पर भी क्लिक नहीं करना है। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग 2024, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे आप लोगों के सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलकर नजर आ जाएगा। अब आप लोगों को कहाँ जाना है, तो आप लोगों को जाना है आप लोगों को होम वाले सेक्शन पर आप लोगों को जाना है। जैसे आप होम वाले सेक्शन पर जाओगे आप लोगों के सामने इस तरीके का, अब आपको जाना है काउंसलिंग वाले सेक्शन पर। जैसे आप काउंसलिंग वाले सेक्शन पर जाओगे अब आप लोगों को जाना है नीचे, नीचे जैसे आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को काउंसलिंग शेड्यूल लिखकर आप लोगों को नजर आएगा, तो काउंसलिंग शेड्यूल पर जाना है। जैसे आप काउंसलिंग शेड्यूल पर क्लिक करोगे अब आप लोगों के सामने जो आपका काउंसलिंग का शेड्यूल है वो खुलकर नजर आएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये जो है आप लोगों का काउंसलिंग का कंप्लीट शेड्यूल खुलकर नजर आ गया है। अब यहाँ पर आप लोगों की जो अलॉटमेंट लेटर की जो डेट दे रखी है, तो वहां पर अगर मैं बात करूं पब्लिशिंग ऑफ अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन एट वेबसाइट, वेबसाइट पर अलॉटमेंट लेटर 30/10/2024 को आने की यहां पर बात की जा रही है। लेकिन अब मैं यहां पर बात करूं कि अब दीपावली की छुट्टी रहेगी 30 तारीख को, तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो कहीं ना कहीं 4 तारीख को आप लोगों का, 4 तारीख को तो आप लोगों की छुट्टी पड़ जाएगी, शायद 3 को छुट्टी पड़ रही है ना संडे की शायद, तो 4 या 5 तारीख आप मान लो 5 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। और जैसे ही 5 तारीख को, देखो 4 तारीख को मंडे है, 4 तारीख को भी आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ सकता है, लेकिन मैं कहूंगा कि 4 तारीख को नहीं आएगा, 5 या 6 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा। 5 या 6 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आएगा। और जैसे अलॉटमेंट लेटर आता है आप लोगों को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आप लोग जो है उसका प्रिंटआउट निकलवाओ। प्रिंटआउट निकलवाने के बाद मैंने जो वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को जो है तैयार करके रखने हैं, उस वीडियो को देख के आप कंप्लीट आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रेडी करवा लो। रेडी करवा के एक फाइल के अंदर रख लो, अलॉटमेंट लेटर रख लो। अब आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुई है उस कॉलेज में जाकर एक बार कॉन्टैक्ट करो कि सर हमें ये कॉलेज अलॉट हुई है, अब इसका क्या परफॉर्मा है, कितनी फीस लगेगी, कितना क्या होगा, हॉस्टल की सुविधा है या नहीं है, एक बार उस कॉलेज को जाकर आप लोगों को विजिट करना है। आप जाएं अपने पेरेंट्स के साथ में जाएं, पेरेंट्स जा रहे हैं तो अपने बच्चों को साथ में लेकर जाएं, ठीक है ना, ताकि उनको यह लगे कि हाँ कॉलेज सही है तो आप उसमें रिपोर्टिंग करवाओ, अगर कॉलेज सही नहीं है तो आप उसमें रिपोर्टिंग पर, देखो रिपोर्टिंग आप लोगों को करवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपको एक बार कॉलेज अलॉट हो गई है तो आपको रिपोर्टिंग उसमें करवानी ही पड़ेगी, तब जाके आप नेक्स्ट कॉलेज चेंज करवा सकते हैं। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करवाओगे तो आप कॉलेज चेंज नहीं करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो रिपोर्टिंग करवाना सभी को जरूरी है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों का जो अलॉटमेंट लेटर है वो 5 या 6 तारीख को आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत करो। जैसे अलॉटमेंट लेटर आएगा और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 नवंबर 2024 तक आप लोगों को कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लेना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोग पढ़िए, प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग बाई द कैंडिडेट एट द अलॉटेड कॉलेज फॉर डिपोजिशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो अलॉन्ग विद ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड प्रेस्क्राइब फीस। यानी आप लोगों के जो अलॉटमेंट लेटर है वो प्रिंट होते ही आप आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो, आप लोगों का जो एप्लीकेशन है फॉर्म वो, और जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो लेकर आप कॉलेज के अंदर पहुंच जाओ, वहां जाकर आप अपनी रिपोर्टिंग करवाओ और एडमिशन वहां जाकर ले लो, ठीक है ना।
ये पूरा प्रोसेस है आप लोगों का। अब मैं चलता हूँ वापस से और मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आप लोगों को क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप जाइए कॉलेज में, जाकर आप लोग जो है वो ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि कॉलेज के अंदर जब भी आपको एडमिशन लेने जाओ तो क्या क्या चीज़ आप लोग वहाँ जाकर देखोगे, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग बिल्डिंग देखना कॉलेज की, कि कॉलेज की खुद की, है या नहीं है, है या नहीं है, ठीक है ना। ये आप लोगों को, अब ये कहां से कैसे पता लगेगा, क्योंकि कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, टीचर है, वो तो आपको बताएंगे नहीं। तो जहां वहां आप उस टाइम पर जाइए कॉलेज में जब वहां का लंच टाइम हो, कॉलेज का लंच टाइम हो, 12 या 12:30 बजे आप लोग जाइए और वहाँ के जो स्टूडेंट है ना वो आपको अच्छा रिव्यू देते हैं। यानी जिस कॉलेज में आप जा रहे हो उस कॉलेज के स्टूडेंट से आप रिव्यू लीजिए, वो अच्छा रिव्यू आप लोगों को कॉलेज के बारे में देंगे। तो आप स्टूडेंट से रिव्यू लें कॉलेज का तो आप लोगों को बेहतर रहेगा। दूसरी चीज कि वहाँ पर प्रॉपर क्लास चलती है नहीं, प्रॉपर क्लास चलती है या नहीं, या वहाँ पर टीचर है या नहीं, या फिर ऐसे टीचर लगा रखे हैं जो अभी फोर्थ ईयर वहीं से पास आउट किए है और वहीं पढ़ाने लग गए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि कुछ टीचर तो ऐसे हों जैसे एनाटमी के हुए, फिजियोलॉजी के हुए, ये एक्सपर्ट टीचर पढ़ा सकते हैं, जैसे सोशियोलॉजी हुई, साइकोलॉजी हुई, ये कोई मतलब थोड़ा मीडियम भी पढ़ा सकता है, बट एनाटमी फिजियोलॉजी तो एक एक्सपर्ट टीचर पढ़ाएगा, या कुछ ऐसी चीज़ें जो उसने पढ़ रखी है वो पढ़ाएगा तो अच्छे से उसको जो है एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आप लोगों को देखनी है। इसके अलावा कॉलेज के अंदर बैठने की या सारी चीजें सुविधा सही है या नहीं है, ग्राउंड सही है या नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। और सबसे अच्छा रिव्यू आप लोगों को कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो आप लोगों को सारी जानकारी दे देंगे। फीस के बारे में आप प्रिंसिपल से जाकर बात करो, और जो हॉस्टल अगर आप लोगों को वो दे रहे हैं तो आप अगर हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो ही आप हॉस्टल में रहो। अगर आपको जबरदस्ती वो हॉस्टल दे रहे हैं तो आप जबरदस्ती हॉस्टल मत लो, क्योंकि हॉस्टल का देने का मतलब ये है कि आप लोगों से कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट वो लेने वाले हैं। और कुछ चीज़ें हैं जो ये भी ध्यान रखो कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज अलॉट हो रही है, फीस उसकी 95,000 है, अगर आपसे वो 5,000 से 10,000 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो आप दे दो। अगर ज़्यादा ले रहे हैं, 25,000-30,000 तक आप लोगों से एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 20,000 तक भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो आप उनसे पूछो कि भाई फीस तो 95,000 है, जो गवर्नमेंट ने जो अलॉटेड फीस है वो 95,000 है, आप बाकी का क्यों ले रहे हो। तो वो फिर आप लोगों से कहेंगे 10,000 कौशल मनी है, 10,000 बस का किराया है, 5,000 बुक्स का है, 5,000 ड्रेस का है। तो उनसे बोलना कि हम बुक हम ले लेंगे, ड्रेस आप बता दो हम ले लेंगे, हम सिलवा लेंगे, और जो कौशल मनी है वो हम आपको देंगे, बाकी बस का किराया भी आप मत ही देना भाई, क्योंकि बस में 1 या 2 दिन आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैठने को मिलेगा, या फिर 2 महीने जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी जाओगे ना तब आपको बैठने को मिलेगा बस, है ना। बाकी बस का किराया वो हर साल आप लोगों से लेते हैं और बैठना बहुत कम पड़ता है आप लोगों को, 1 से 2 महीने बैठते हो बस, है ना। तो बस का किराया भी दे देना और कौशल मनी भी दे देना, बाकी ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट लेटर आप लोगों का जल्दी आ जाएगा कॉलेज के अंदर, जाकर फिर फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट क्लास में कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे सारी चीज़ें करनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप फर्स्ट क्लास में जाकर कैसे अपना आपको प्रदर्शित कर सकते हैं, अपने आप को वो कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को फर्स्ट क्लास के अंदर ध्यान रखनी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार।